हम लोग फिलहाल जा रहा हूँ निर्महल देखने के लिए। ये जो पानी का बीच में जाना होता है और इट इज कॉल्ड इजलिक मानोय। लोग आ रहे हैं देखिए हमारे साथ। हम लोग जाना है अभी बोटिंग करके पानी के बिल्कुल बीच पर। सवार बैठ चुका है ऑलरेडी। इजलिकमा लेक की अनोखी यात्रा पर मैं एक नाव पर हूँ जो भारत के सबसे बड़े जल महल निर्महल यानी टिजलिकमा नोयोंग की ओर बढ़ रहा हूँ। टिजलिकमा नोयोंग तिप्रासा राज्य का पुराना महल है जो 1930 में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने बनवाया था और ये महल इस जलमार्ग के बीच में है। इस यात्रा के अनुभव के लिए हर व्यक्ति को 50 रुपये की टिकट लेना आवश्यक है। इस जलमार्ग से गुजरते हुए हम दूसरी यात्रियों के साथ अपने अन्वेषण की शुरुआत कर रहे हैं जबकि दूसरे इस मोहक गंतव्य से लौट रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट के नाव सफर करने के बाद हम लोग बिल्कुल निर्महल के करीब आ पहुंचे हैं और अभी हम लोग उतरने वाले हैं और उतर के हम लोग सीधे जा रहे हैं निर्महल देखने के लिए। Here for entry you will have to buy a 30 rupees ticket again, and if you wish to bring a camera it will require an additional 50 rupees. Do ticket. Ticket de do usko. Nangya nangya hum bonun ke no pardon de. Ye kaise kal thakre? Nangya nangya. Bonuda. Bonuda. Hame ek upar dukmo. Camera ke liye alag de diya na? Nahi nahi camera to nahi diya idhar. Paise to diya. Chalo. Sir. मेरा कैमरा टिकट इधर साइड कर। अच्छा अच्छा ऐसा तो दे दिया ना। हां अच्छा। This is dancing room. ये bedroom. इसमें? Oh, this is bedroom. This is bedroom और यहाँ से बाहर की हिचा देख सकते हैं। देखिए कितनी झमक रहे हैं पानी के ऊपर। मैं फिलहाल जहाँ राजा और रानी सोते थे उस बेडरूम पर हूँ निर्महल की, और इसके बिल्कुल बगल में है डांसिंग रूम। वहाँ पर डांसिंग हुआ करते थे और उसके इस साइड पर परफॉरेंस रूम है। ये ट्रेजरी रूम है। यहाँ पर बहुत सारे रूम हैं और अभी भी बहुत क्लीन है। नोन एज लेक पैलेस ऑफ त्रिपुरा, निर्महल वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ समर रेसिडेंस। It was Maharaja Veer Vikram Manikya Bahadur's idea to build a palace in the beautiful Rudrasagar Lake, and in 1921 he accredited the British company Martin and Barnes to construct the palace for him. The company took 9 years to complete the work. Maharaja Veer Vikram Manikya Bahadur belonged to the Manikya dynasty, which is supposed to be the second from a single line in the world today. Uncle, Uttarakhand. Uttarakhand. You came from Uttarakhand. Yes. Very welcome to Tripura. Thank you very much. It's your first visit, or this is my first visit. Okay.
ऑलरेडी आई हैव विजिटेड मेघालय मिजोरम ओके थैंक यू गुड मीटिंग ओ आने खाकोबा नो नो मामां से रो तो गई तोंगो नाय सेंगे तोंगो ओ आने खाकोबा रॉयल बोट घाट ओ इस तरफ से राजा ने जाकर नाव चरा करता था यहाँ तक पानी आते थे इन पास्ट टाइम्स अभी बिल्कुल पानी नहीं है पानी कम गए है बट इन रेनी सीजन आई डोंट नो यहाँ पर पहुँचता कि नहीं बट यहाँ पर राजा आके यहाँ नाव उठा करते थे इस पैलेस में हर चीज़ है यहाँ पर नाव उठने की जगह पर भी है यहाँ पर डांसिंग रूम है यहाँ पर बाटिंग रूम भी है यहाँ पर सोने का कक्ष भी है और यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हॉल भी है ये बहुत बड़ा एक पहले से अभी हम लोग ऊपर जाके ऊपर से यहाँ का जो व्यू है ओपन स्काई वहाँ से दिखाएंगे निर्महल के ऊपर तरफ हम लोग जा रहा हूँ फिलहाल एक छोटा सा स्टेयर से ऊपर जाना पड़ता है और मैं अभी निर्महल की टेरेस पर आया हूँ और ये टेरेस से मैं दिखाऊंगा चारों ओर की खूबसूरती ये बिल्कुल पानियों के बीच पर है जो रुद्रसागर लेक कह जाते हैं तिजलिकमा लेक कह जाते हैं उसका बीचों बीच पर है और ये जो निर्महल है निर्महल को तिजलिकमा नुयुंग भी कह जाते हैं और ये 1930 को महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिक का बहादुर ने बनाए थे 1930 को और ये जो पैलेस है इसको वाटर पैलेस भी कह जाते हैं और ये वाइट है बिल्कुल ताजमहल की तरह और ये दूर से पानी के बीच में झील मिलाते हुए दिखाई देते हैं और जब यहाँ पर फुल मून होते हैं तो इसका खूबसूरती ओ माय गॉड अलग ही हो जाते हैं और यहाँ पहुँचने के लिए आपको 50 रुपीस की बोटिंग टिकट लेना पड़ते हैं यहाँ बोट राइड करके यहाँ तक आना पड़ता है बहुत सारे लोग एक साथ में लेके आते हैं मोटर बोट होते हैं और यहाँ आके फिर से एंट्री लेने के लिए 30 रुपीज़ की टिकट आपको परचेस करना पड़ता है यहाँ आपको कोई भी प्लास्टिक का सामान ले आना माना है और यहाँ पर पानी कैफे भी मिल जाते हैं हर कुछ मिल जाते हैं खाने के लिए कुछ फास्ट फूड और यहाँ कैमरा के लिए अलग ही चार्ज लेते हैं और यहाँ रोज़ काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पर सैटरडे एंड संडे को ज़्यादा ही लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए मैंने यहाँ पर एक उत्तराखंड के लोगों को भी मिला था यहाँ पर और मुझे दिखाने के लिए आए हैं ये ब्रदर्स और सिस्टर्स दे आर फ्रॉम खुमलुंग हाय हेलो सिस्टर हम लोग सब मिलके आए हैं खुमलुंग से तब भाई 3 बार फाइया और प्रियर ने तब ग्राम भाई फाइट बंगे आसाम ने तीन फर्स्ट टाइम खाई बेना बगे बिल्कुल टमटकजाखा बिल्कुल ना बो नाइटकजाखा और बगे जिन तब और इंजे खाई तब टमटक दम The palace is divided in 2 parts. The western side of the palace is known as Andarmahal. It was made for the royal family. The eastern side is an open-air theater where drama, theater, dance and other cultural events were organized for the enjoyment of Maharajas and their royal families. The palace is 24 rooms in total. अभी शाम की सांसद हो रहे हैं और ये जो निर्महल की खूबसूरती और भी बढ़ रहे हैं जो रुद्रसागर लेक के बीचों बीच पर ये खूबसूरत वाइट निर्महल हाउस इतनी खूबसूरत है कि ये दूर से इतने दिल मिलाना दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देखिए Thank you.
वहाँ से जा रहा हूँ हम लोग। अभी नीचे जा रहा हूँ मैं फिर से निर्महल के ऊपर चट्टान से। वो अंदर आए यार, ये जो टिपरा राजा है वो काफ़ी बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े राजमहल बनाए थे। तो वहाँ पर जो अगरतला पर है वहाँ पर भी एक बड़ा एक राजबाड़ी है, वहाँ पर अभी म्यूजियम बनाया गया है। और यहाँ पर जो हम आपको दिखा के आए हैं जो मंदिर है त्रिपुरा माथा पर, वो काफ़ी पुराने मंदिर है और वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं पूजा चढ़ाने के लिए। वो 1501 पर बनाए गए थे। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी है, ये हर तरफ पानी ही पानी है। सीट से सो लवली रेड इज। It's a watchtower, so beautiful. You can climb here, I think. Oh my God, this taraf dekhi. Ye raat ho gayi hai. Sham ho gayi hai. Hi, where are you from? What's your name? Naam kita? Shahinur Islam Khadim. Shahinur Islam. Where are you from? Kahan se? Ghar kahan hai? Town Sunamura. Sunamura. Okay. Thank you. Thank you. यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर पर कितने बड़े बड़े फूलों की पेड़ लगा के रखे हैं। और कुछ मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर सूरज की किरण ढल रहे हैं और ये धीरे धीरे अंधेरे हो जाएंगे। यहाँ पर लाइट है पर यहाँ का जो महल है व्हाइट है, सफ़ेद है, इसलिए यहाँ पर जिल मिला रहे। यहाँ पर उठने नहीं देते ऊपर में। ये जो वॉच टावर है यहाँ पर उठने देते कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। बिल्कुल ये बंद पड़ा है। बहुत खूबसूरत है यार ये जो पहले से देखिए। मेन एंट्री है, हम इस तरफ पर आए थे। ये बहुत बड़े हैं और ये लास्ट बोट है आई थिंक, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर रह जाना पड़ेगा। जो हमारे त्रिपुरा किंगडम है वो काफ़ी बड़े थे और यहाँ पर वो शासन किया करता था। तो उसका जो 1930 को बनाए हुए ये इमारत अभी भी झिलमिला रहा है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महल हैं जो राजाओं ने बना के गए हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से निकल के जा रहा हूँ क्योंकि बाद में हम लोग बहुत नहीं मिलेंगे।
निर्महल देखने के बाद हम लोग फिर से अभी जाएंगे खुमलुंग। यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा मुझे, फिर से आपको कल नए जगह दिखाने के लिए ले चलूँगा। तब तक के लिए निर्महल से बाय बाय। जो तो फाई का हम निर्महल, आप सभी को निर्महल पर स्वागत है। जो तो फाइदी जतना फाइल बेरे फाइजी एंजॉय खाई पाइजी। इसे जहाँ से 53 किलोमीटर फ्रॉम कैपिटल अगरतला, अनेक नाइटॉक जगह लाइक है नाइटॉक। और यहाँ आने के लिए आपको यहाँ बोटिंग करके आना पड़ता है। ये रुद्रसागर लेक जो तिजलिक माँ कहते हैं उसका बीचों बीच पर है, बहुत खूबसूरत है। आप लोग विजिट करने ज़रूर आइएगा। इट्स वन ऑफ द ग्रेट वाटर प्लेस ऑफ इंडिया।